सभी को नमस्कार, मेरे पेज पर सभी का स्वागत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक अपडेट के लिए हमारे Instagram और Facebook के पेज को फॉलो करें। आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। आइए पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए एक व्यक्तिगत कानून, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जिसका अर्थ है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण और विरासत जैसे उनके व्यक्तिगत मामले एक कानून द्वारा शासित होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू होती है, जब अंग्रेजों ने लेक्स लोसी रिपोर्ट 1840 के नाम से एक रिपोर्ट तैयार करके सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून बनाने की पहल की थी, लेकिन इसमें पर्सनल लॉ शामिल नहीं था। उसके बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अपार योगदान से भारत की महिलाओं को कुछ ऐतिहासिक कानून मिले, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1928। इन कानूनों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया और उन्हें संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार दिया। यह महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए पहला कदम था। कुछ और वर्षों के बाद मुसलमानों के लिए उपहार के रूप में एक कानून आया, जिसे शरीयत एक्ट 1937 के रूप में जाना जाता है, जो विशेष रूप से विवाह, तलाक और विरासत जैसे उनके व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। फिर अंत में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन तब तक हिंदुओं के पास कोई व्यक्तिगत कानून नहीं था। फिर अंत में हिंदू कोड बिल अस्तित्व में आया। यह आजादी के बाद हिंदुओं के लिए एक व्यक्तिगत कानून बनाने का पहला कदम था। फिर इस दिशा में एक और सकारात्मक कदम उठाया गया और वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 का शामिल होना था, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है। लेकिन यह सिर्फ राज्य पर निर्देश के रूप में था, न कि एक दायित्व के रूप में। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अस्तित्व में आए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक दिलचस्प तथ्य जानते हैं? भारत में पहला यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 था। यह एक्ट उस समय इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन विवाह की अनुमति देता था। इसका मतलब है कि इस अधिनियम के तहत एक हिंदू, मुसलमान और एक क्रिश्चियन एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। लेकिन यह उन पर है, क्या वे अपने प्रथागत कानूनों का पालन करेंगे या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को रजिस्टर करेंगे। आइए अब जल्दी से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालें, जो शाह बानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डैनियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ये मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फैसलों ने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन फैसलों के बाद एक नया कानून अस्तित्व में आया, जो मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट था। इस पर एक और विकास हुआ शायरा बानो केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक विशिष्ट कानून बनाने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से यूनिफॉर्मिटी फायदेमंद है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन से पहले आम जनता के साथ बड़े पैमाने पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। जय भारत, जय हिंद। सेहतमंद रहें, जागरूक रहें।